ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इंदौर से कंप्यूटर बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया सवाल। जी हां, हम आपको बता दें, यूपी के बुलंदशहर में एक मंदिर में दो साधुओं की धारदार हथियार से काट कर निर्मम हत्या करने के मामले में कंप्यूटर बाबा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल करते हुए पूछा है कि योगी जी, आप उत्तर दे, यह राम राज है या रावण राज। साथ ही कंप्यूटर बाबा ने इस घटना से संत समाज के बहुत आहत होने और अगले एक महीने में उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सजा नहीं देने पर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के संत समाज द्वारा बड़े आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। आप भी सुनिए कंप्यूटर बाबा ने क्या कहा। कल 27 अप्रैल को बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में हमारे दो संतों को, दो साधुओं को तलवार से काट डाला, निर्मम नृशंस हत्या कर दी गई है। पूरा संत समाज स्तब्ध रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आपके राज्य में संतों की हत्या, वो भी संतों को काट डाला ऐसी हत्या। मैं आपसे पूछना चाहता हूं योगी जी, आखिर राम राज्य है कि रावण राज्य है। योगी जी, एक महीने के अंदर इसकी जांच होना चाहिए, सीबीआई के द्वारा जांच होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई षड्यंत्र है। जिस ढंग से इसको मारा गया है, तलवार से काटा गया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज तो है। क्योंकि जिस ढंग से हमारे संतों के प्रति क्यों आक्रोश है, लोगों को हमारी समझ के परे हैं। एक देखिएगा, पालघर में पीट पीट करके हमारे दो संतों को हत्या कर दी, और यहां बुलंदशहर में यूपी में दो संतों को तलवार से काट डाला। एक महीने के अंदर इसकी जांच नहीं हुई, एक महीने के अंदर इसका दूध का दूध पानी नहीं हुआ। तो योगी जी, आप समझ लें, पूरा संत समाज मध्य प्रदेश से, पूरे देश से इकट्ठा होगा, 10,000 की संख्या में पूरा संत समाज बुलंदशहर पहुंचेगा, अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे।